Hello students, good afternoon to all. Today we will learn poietic devices. So students, you all know about the poem. What is a poem? Poem hoti kya hai? Poem actually a piece of writing which express thoughts and feelings with the help of sound and rhythm. Aur agar hum William Wordsworth ki baat kare to spontaneous overflow emotions. चलिए ये जो पोयम की डेफिनेशन है या पोएटिक डिवाइसेस की डेफिनेशन है ये आपके सिलेबस के बाहर है सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल बट थोड़ा सा पोएटिक डिवाइसेस के बारे में बताऊंगी कि व्हाट पोएटिक डिवाइस इज एक्चुअली पोएटिक डिवाइस क्या होता है दीज आर द टूल्स टूल्स किसके लिए दैट पोएट कैन क्रिएट रिदम और वो क्या करता है वो डेलिबरेट यूज करता है वर्ड्स का साउंड्स का फ्रेजेस का Even shapes का ताकि वो अपने मीनिंग को एक इम्प्रेसिव वे में प्रेजेंट कर सके अपनी मीनिंग को जो भी वो बताना चाहता है उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सके क्लियर नाउ व्हाट इज पोएटिक डिवाइसेस क्या होती है फिगरेटिव लैंग्वेज होती है और पोएटिक डिवाइसेस यस गुड आफ्टरनून ऑल वेरी गुड गुड आफ्टरनून मिस Poetic devices actually why do the poets use poetic devices to embellish the language to embellish means to decorate जो प्यारी लैंग्वेज होती है जो डेकोरेटिव लैंग्वेज होती है वो इम्प्रेस करने के लिए या उसके कई सारे फंक्शंस हैं तो शॉर्ट में उन फंक्शंस को आपको बता देती हूँ कि जो पोएटिक डिवाइसेस के फंक्शंस होते हैं उनमें सबसे पहला फंक्शन होता है रेट्रिक जो रेट्रिक फंक्शन होता है एक्चुअली उसका मतलब होता है कि हम इस रीडर को या ऑडियंस को पोएट्री को रिसाइट करने के लिए होती है तो या तो रीडर को या ऑडियंस को उसको इम्प्रेस करने के लिए हम कुछ ऐसा डाल दें पोएट्री में तो ये उसका रेट्रिक फंक्शन होता है सेकेंड होता है एस्थेटिक एस्थेटिक फंक्शन का मतलब होता है कि आप पोएट्री को ब्यूटीफुल बनाने के लिए यूज करते हैं एक कविता को बहुत सुंदर बनाने के लिए आप क्या करते हैं उसके कुछ इंस्ट्रूमेंट टूल्स उसमें अप्लाई कर देते हैं नाउ नेक्स्ट इसका एक यूज होता है सेमेंटिक कि कई बार क्या होता है अपने मीनिंग को और ज्यादा अच्छे से कन्वे करने के लिए पोएट जो है पोएटिक डिवाइसेस का यूज करता है और लास्ट है प्रोसोडिक यानी कि साउंड और रिदम इफेक्ट डालने के लिए क्या किया जाता है पोएटिक डिवाइसेस का यूज किया जाता है पोएटिक डिवाइस एग्जैक्टली कैसे लाइक वी विमेन अपनी इयर रिंग्स डालते हैं ब्रेसलेट डालते हैं सो दैट वी कैन ब्यूटिफाई आवरसेल्व्स राइट गर्ल्स तो भी हम क्या करते हैं अपने आप को ब्यूटीफुल बनाने के लिए दिखाने के लिए हम पोएटिक डिवाइस हम सॉरी अपने ऑर्नामेंट्स का यूज करते हैं हम ज्वेलरी डालते हैं एग्जैक्टली इन द सेम वे टू एम्बलिश द लैंग्वेज लैंग्वेज को भाषा को इंग्लिश बनने के लिए टू मेक इट डेकोरेटिव इसको डेकोरेटिव बनाने के लिए इम्प्रेशन अच्छा डालने के लिए अपनी मीनिंग को बेटर करने कन्वे करने के लिए पोएटिक डिवाइसेस यूज किए जाते हैं गेट इट नाउ सो टुडे वी विल डिस्कस सम पोएटिक डिवाइसेस लाइक फर्स्ट इज एलिट्रेशन एलिट्रेशन होता क्या एलिट्रेशन व्हेन साउंड्स consonant sounds are repeated okay jo baat samajh mein nahi aa rahi dikhai de raha hai dikhai de now it's visible alliteration when consonant sounds jo consonant sounds hoti hai wo repeat hoti hai that is alliteration एलिट्रेशन में कौन कौन सी साउंड रिपीट होती है बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स यानी कि शब्द वर्ड्स के बिल्कुल बिगिनिंग में जब कॉन्सोनेंट साउंड्स आती है दैट इज एलिट्रेशन कॉन्सोनेंट साउंड्स आप आती है बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स तो नाउ एग्जांपल वी कैन टेक फ्रॉम योर पोएट्री आल्सो लाइक इकबाल पोएम है 10th क्लास में उसका एग्जांपल है एनिमल And mover buys the ball back. Now see, are you getting it?
and no one buys more than B. Yeah, B, B or B. यहाँ पर B B हुआ है. B सम B कौन सी है? कौन सा नहीं सम? B कौन सा नहीं सम? B B हुई है. तो ये क्या है बेटा? एलिवेशन. ठीक है, एलिवेशन भी हो गया. उसके एक और एग्जांपल आप नोट कर लीजिए. एनिमल एग्जांपल और कॉन्सोनेंट साउंड. मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा ऊंचा हो गया, दिखाई नहीं दे पा रहा है ना. अनदर एग्जांपल ऑफ एलिवेशन एंड सेव सम पार्ट एंड सेव सम पार्ट. ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोयम है, डस्ट ऑफ स्नो टेंथ क्लास में. सेव सम पार्ट, तो इसमें क्या है? एस और एस. एस कॉन्सोनेंट साउंड है, तो कॉन्सोनेंट साउंड होती है क्लियर, दैट इज व्हाट कॉन्सोनेंट साउंड. बार बार लिखनी पड़ती. अगले जो मैं जो कराऊं रेजोनेंस कराऊंगी और मैं आपको रेजोनेंस कराऊंगी तो आप थोड़ा कंफ्यूज ना. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सम से. Some say the ball will end in fire. Now see S S W W. So here S sound, that is also consonant sound, and W sound verb. It repeats twice. So what is it? This is alliteration. Now students, alliteration is clear. जल्दी से बता दीजिए if it is clear, then I will go to the next. Alliteration clear है. Okay, the next is consonants. Consonants. Alliteration का second है consonants. अब इससे बिल्कुल क्लियर हो गया कॉन्सोनेंट्स कॉन्सोनेंट्स. तो जो रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड है तो एलिटेशन में मैंने बताया. रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड है मैं कॉन्सोनेंट्स में बताने जा रही हूँ. लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि ये लिमिटेड क्यों होती है कि भाई जो एलिटेशन होता है वो सिर्फ इनिशियल साउंड होती है. एलिटेशन में सिर्फ इनिशियल यानी कि बिगिनिंग में जो वर्ड्स आते हैं, लाइक मैंने अभी बात की थी साउंड से, तो ये इनिशियल साउंड है साउंड की एस की. तो जो वर्ड्स की इनिशियल साउंड हैं उसमें तो आता है एलिटेशन. लेकिन कॉन्सोनेंस इज नॉट लिमिटेड विद द इनिशियल साउंड्स. कॉन्सोनेंस कहीं भी आ सकता है, मिडिल में आ सकता है, लास्ट में आ सकता है, कहीं भी आ सकता है कॉन्सोनेंस. ठीक है, कोई भी साउंड्स हो सकती है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज एसोनेंस. अच्छा एग्जाम्पल देना भूल गई मैं, आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ. माइक लाइक्स, माइक लाइक्स हिज न्यू बाइक. तो अब कॉन्सोनेंट्स देखो, यहाँ पर एलिटेशन कहीं भी नहीं, क्योंकि एलिटेशन होता तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एम है तो यहाँ भी एम होता, यहाँ भी एम होता, क्योंकि वो लिमिटेड एलिटेशन. किससे? एलिटेशन लिमिटेड है इनिशियल साउंड्स का, इनिशियल साउंड्स ऑफ द वर्ड. ठीक है, क्योंकि कॉन्सोनेंस में क्या होता है कि अनलिमिटेड नहीं होता. अब देखिए इसमें ये जो साउंड्स है वो कहीं भी रिपीट हो सकते हैं. तो यहाँ पर जो के साउंड है दैट इज कॉन्सोनेंट है, पर वो इनिशियल नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या है कॉन्सोनेंस. जल्दी से बताइए अगर आपको कॉन्सोनेंस क्लियर है तो. वी विल डू नेक्स्ट. If it is clear, consonants and alliteration. अगर कोई confusion है तो वो भी बता दीजिए. No confusion, so we should move to the assonance. Okay. Now next is yours. Assonance. Now what is assonance? मैंने बात की एलिट्रेशन की. एलिट्रेशन कॉन्सोनेंट साउंड्स होती है बट वर्ड्स
इनिशियल साउंड होते हैं, यानी कि जो बिगनिंग में कौशिक ने कुछ कहा एलिट्रेशन में है. मैम क्या है एलिट्रेशन में, क्या है एलिट्रेशन में बताए. बच्चे जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, क्लियर नहीं है. कौशिक दोबारा मैसेज करो, क्या है एलिट्रेशन में. हाँ क्या डाउट है बोलो, एलिट्रेशन में क्या डाउट है वो बोलो. देखो एक बार मैं एलिट्रेशन दोबारा बता रही हूँ, रिपीट करो. When the consonant sounds at repeated, repeat at the beginning or initial volume, beginning of the words of same sentence. ठीक है कि जब सेम सेंटेंस के व्हेन द कंसोनेंट साउंड्स, जब कंसोनेंट साउंड्स होती हैं वो बिगनिंग ऑफ द वर्ड, शब्दों के बिगनिंग में रिपीट होती है सेम सेंटेंस के. जैसे हमने एग्जांपल दिया था सन से, दिखाई दे रहा सन से द बॉल विल एंड एंड ये सन से द बॉल विल एंड. तो देखो एस साउंड एस डब्ल्यू डब्ल्यू, तो ये वर्ड की इनिशियल, देखो कोई भी शब्द है लाइक शब्द है सन, तो ये इनिशियल साउंड होती है बिल्कुल बिगनिंग, और ये आता है आपके मिडिल में, और ये आता है आपका एट द एंड. तो जो एलिट्रेशन होता है वो ऑलवेज बिगिनिंग में होती है, जो साउंड होती है वर्ड्स के बिगिनिंग में जो साउंड सिमिलर साउंड होती है सेम कंसोनेंट साउंड रिपीट होती है, तो उसको हम एलिट्रेशन बोलते हैं. कौशिक आप बताओ जल्दी से, या और एग्जांपल दो जल्दी से बताइए. नहीं हुआ क्लियर. If sometime when roaming around, ध्यान दीजिए. If एक और example है. If sometime when roaming around, अब देखिए. एस आर और आर दोनों ही वर्ड की इनिशियल साउंड्स हैं, बिगनिंग में है, तो यहाँ पर क्या है एलिट्रेशन. बिगनिंग में वोवल हो तो एजोनेंस होगा, वो तो मैंने कराया ही नहीं अभी. अभी तो मैं किस पे पहुंची, मैंने एलिट्रेशन कराया है आपको, कंसोनेंस करवाया, अभी मैं एजोनेंस करा. ठीक है ओके. अभी पहले था एलिट्रेशन और कंसोनेंस में डाउट, एलिट्रेशन और कंसोनेंस में कोई डाउट. नितिन कुमार लिख रहा है यस, इट मींस यू हैव एनी डाउट. तो व्हाट इज डाउट नितिन कुमार, नो डाउट देयर. ओके देन नेक्स्ट इज व्हाट एजोनेंस. थर्ड पॉइंट मैंने क्या लिया है, एजोनेंस. ये एजोनेंस क्या होता है, अब हमने जो किया होगा हमने एलिट्रेशन किया कंसोनेंट साउंड बिगनिंग में, हमने कंसोनेंस किया कंसोनेंट साउंड जो किसमें वो कहीं भी, वो मतलब लिमिटेड नहीं है इनिशियल साउंड से या कि वो वर्ड्स की बिगनिंग में ही आएंगे, बिल्कुल भी नहीं. नो अब जो हम करें एजोनेंस दैट इज द वोवल साउंड, कि जो वोवल साउंड्स आती हैं, जो वोवल साउंड्स रिपीट होती हैं दैट इज व्हाट एजोनेंस. फॉर एग्जाम्पल मैंने माई लाइफ,
इसमें जो आई साउंड है ये आई रिपीट हो रहा है ना, पहले मैंने क्या बताया था कॉन्सोनेंट्स के बताया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं क्या बताई आई बताया, ठीक है, तो ये क्या है एसोनेंट साउंड है क्योंकि वोवल साउंड है. वन मोर एग्जांपल वी कैन टेक फॉर वोवल, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आप कहोगे कि मैंने अपनी सारी टेंथ की पोएम की एग्जांपल ये टेंथ में आप पढ़ चुके हो और ऑफ कोर्स आपको हमने बताया भी था तो बस वो याद रह जाएंगे आपको. क्या है इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, तो देखिए अब ये लिमिटेड नहीं होती है जो मैं इसको कौन कौन सी भी नहीं लिखा कि कहाँ तक आएंगे. आई साउंड है इफ इट, तो ये क्या है एजोनेंस साउंड, ठीक है. नाउ थ्री मैंने आपको बताया था, मुझे बताओ कि क्या आपको तीन क्लियर हैं. फर्स्ट एलिट्रेशन कम्स, सेकंड क्या बताया मैंने कंसोनेंस, थर्ड एजोनेंस. अगर कोई डाउट नहीं है तो मैं आगे चलूं स्टूडेंट्स, अगर कोई डाउट नहीं है तो आगे चलूं. ओके नाउ नेक्स्ट इज रिपीटिशन, रिपीट करना. देखो हमने जब एसोनेंस एलिटेशन और कंसोनेंस करे थे वी वर टॉकिंग अबाउट द रिपीटिशन ऑफ लेटर्स, कि देन वी आर डूइंग एलिटेशन कंसोनेंस और एसोनेंस एट दैट टाइम, बट वी हैव टू नोटिस, वी हैव टू नोटिस द रिपीटिशन ऑफ लेटर्स, कि जो अल्फाबेट्स हैं वो या जो साउंड्स हैं कि वोवल साउंड है या कंसोनेंस साउंड है क्या वो रिपीट हो रही है. अगर वो रिपीट हो रही है तो हमने उनके अकॉर्डिंग जो है हमने डिसाइड कर लिया कि वेदर इट इज एलिट्रेशन, इट इज कॉन्सोनेंस और इट इज एजोनेंस, ठीक है. कॉन्सोनेंस रिपीट कर दूं, हाँ एलिट्रेशन और एजोनेंस में डिफरेंस क्या है. देखो बेटा एलिट्रेशन आपने क्वेश्चन पूछा कि कॉन्सोनेंस को पहले मैं रिपीट कर दूं उसके बाद में डिफरेंस बता दूं, चलिए पहले कॉन्सोनेंस को रिपीट कर लेते हैं. कॉन्सोनेंस का व्हेन कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट, कॉन्सोनेंट को बता रहा ना जब कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट होती है उनको हम क्या बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं. दिस रिपीटिशन ऑफ कि साउंड कॉन्सोनेंट साउंड्स, कॉन्सोनेंट साउंड्स की रिपीटिशन को बोलते हैं. अब एलिट्रेशन में और कॉन्सोनेंट्स में डिफरेंस, एलिट्रेशन में बता दो एग्जांपल देखिएगा. सम से या चलो माय मदर ये पोएम का नाम एट 66 इसमें M माई का इनिशियल लेटर है, मदर का M इनिशियल लेटर है, 60 का इनिशियल लेटर है S और 6 का इनिशियल लेटर है S. तो यहाँ पर देखिए ये इनिशियल है, साउंड्स भी इनिशियली रिपीट हो रही है, ठीक है. तो ये है एलिटेशन, जबकि जो कॉन्सोनेंस है वो लिमिटेड नहीं है कि बिगनिंग में आ रहा है. कॉन्सोनेंस मिडिल में आ सकता है, कॉन्सोनेंस एट द एंड ऑफ द वर्ड आ सकता है, कोई भी आ सकता है कॉन्सोनेंस, ठीक है. आप डेफिनेशन लिख लीजिए, द रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स आर कॉल्ड व्हाट कॉन्सोनेंस एंड दीज रिपीटिशन साउंड्स आर नॉट लिमिटेड बाय द इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स, कि वो लिमिटेड टू सॉरी कि वो कहाँ तक जो इनिशियल साउंड्स हैं उन तक ही लिमिटेड नहीं होती हैं, ठीक है. एग्जांपल मैंने आपको बताया था एक माइक लाइक इज न्यू बाइक, एक और देख लीजिए आई थिंक आई लाइक द पिंक बाइक,
guy. But the antigen is positive. Therefore, the snake thing goes somewhere, तो
और बी जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो रिपीट हुई है, इसके अलावा भी है कोई? ठीक है, अनदर एग्जांपल देखते हैं, बॉल्स बॉल्स एवरीवन बाइस बॉल्स. नाउ क्या करता है, रिपीटिशन है, बॉल्स को है वर्ड रिपीट हुआ, तो यहाँ पर क्या है, रिपीटिशन है. प्रीवियस सेंटेंस वेयर इज, हाँ उसमें दोनों थे, माइक लाइक वाला उसमें दोनों थे, उसमें कॉन्सोनेंस भी था और उसमें एसोनेंस भी. ठीक है, ओके. नाउ रेपिटेशन इज क्लियर टू यू ऑल कि रेपिटेशन क्या होता है, सबको समझ में आ गया रेपिटेशन का अच्छे से. व्हाट इज रेपिटेशन, रेपिटेशन में क्या होता है, वर्ड रिपीट होता है. एलिटेशन, एसोनेंस, कॉन्सोनेंस में लेटर रिपीट होते हैं और रेपिटेशन में वर्ड रिपीट होता है. ठीक है, नेक्स्ट इज एनाफोरा. आप ध्यान से सुने तो सर विल प्रोवाइड यू नोट्स अगेन इफ यू नीड. आपके एनाफोरा सार दिस इज आल्सो अ काइंड ऑफ रिपीटेशन लेकिन स्टिल डिफरेंट वेज में. आपने पोएम पढ़ी थी लास्ट टाइम सिक्स्थ में, सॉरी सिक्स्थ पोएम, डोर फाइट योर नेम समंदा, डोर by your names Amanda, don't point your shoulder Amanda. A poor example with you, don't some say the world will end, the world will end in fire, some say the world will end in ice. Aap dekho conjunctive lines mein aur same place par jab same words repeat hote hain to unko hum kya bolte hain, anaphora. है ये भी रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स, लेकिन रिपीटेशन में डिफरेंस क्या था, तो वो था सम सम, एक साथ वर्ड्स का आना या एक ही सेंटेंस में आना, दैट इज रिपीटेशन. पर यहाँ क्या है, कंजक्टिव लाइन, एक और डिफरेंट लाइन है, कंजक्टिव लाइंस है, उनमें रिपीट हो रहा है. यहाँ देखो सम से वो एनाफोरा रिपीटेशन में डिफरेंस क्लियर हो गया. Is there any doubt? Repetition में एक साथ आएंगे और anaphora में different time होंगी, different sentence होंगे, लेकिन place same होगा. दोनों का place same होगा. आपको ninth class की wind poem याद आ गई होगी, सुब्रमण्य भारती की wind poem. Wind poem में क्या था? Don't break the shutter of the window. Don't break the window. Don't break the shutter of the windows. Don't tear the papers. उसमें जो don't word है, उसमें जो don't word है, वो क्या हो रहा है? दो different sentences में same place पे, यानी कि उसका place initial है, same place पे use हो रहा है, इसलिए वो क्या है? Anaphora. Now tell me any doubt in anaphora. Then I will come to the next. अभी हम रिपीटेशन वाला पार्ट पे चल रहे हैं. रिफ्रेन क्या होता है, देखो एलिटेशन, एसोनेंस और कॉन्सोनेंस, इनमें होता है लेटर रिपीट. ठीक है, लेटर रिपीट हुआ. रिपीटेशन और एनाफोरा में हुए थे वर्ड्स रिपीट, शब्द रिपीट हुए थे, लेकिन रिफ्रेन में रिपीट होता है पूरा सेंटेंस, कोई लाइन है, कोई सेंटेंस है जो बार बार आता रहता है पूरी पोएम. ठीक है, जैसे एक पोएम थी आपकी, याद नहीं आ रही, नाम भूल
ब्रुक पोयम थी। उस ब्रुक पोयम में एक लाइन बार बार आती थी, नाइन्थ में थी पहले कम्युनिकेटिव इंग्लिश में, द मैन मे कम द मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉरएवर। मींस हर स्टैंजा के बाद टू थ्री टाइम वो रिपीट हुई थी, द मैन मे कम द मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉरएवर। एक और पोयम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम है लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग। उसमें भी एक लाइन वो टू थ्री टाइम्स रिपीट करता है, व्हाट अ मैन हैज डन टू मैन। तो ये जो लाइन्स रिपीट होती हैं इनको हम बोलते हैं एनाफोरा। हाँ जी, टेल ऑफ द ड्रैगन में भी है। हाँ है, टेल ऑफ द ड्रैगन में है, वो बेलिंडा वाले शायद मैं एक बार चेक करके बता सकती हूँ। टेल ऑफ द ड्रैगन में पूछी थी एक लाइन थी बड़ी अच्छी सी थी, वेट एक सेकंड में बताती हूँ। टेल ऑफ द ड्रैगन, उसे पूरा स्टैंजा रिपीट हुआ है। बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस विद अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल रेड ड्रैगन एंड अ रियली ओल्ड ट्रूलियो लिटिल पैट ड्रैगन। तो ये जो एंड अ रियली ओल्ड ट्रूलियो लिटिल पैट ड्रैगन, ये टू थ्री टाइम्स और बेलिंडा जिनके साथ रहती है वो, तो वो क्या है? हाँ, एंड द ड्रैगन क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज। ये क्या है? ये रिफ्रेन कि अब आपको क्लियर होगा होगा, जैसे कोई सॉन्ग होता है, सॉन्ग की एक लाइन जो है एवरी टाइम रिपीट होती है, दैट इज कॉल्ड रिफ्रेन। ओके, क्लियर हो गया? क्लियर सबको? नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट इज सिमिली एंड मेटाफर। ये तो सिर्फ रिपीटेशन को लेके था कि लेटर रिपीट हुए तो क्या बोलते हैं, वर्ड्स रिपीट हुए तो क्या बोलते हैं, और जो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस और लाइंस रिपीट होती है तो क्या बोलते हैं। नाउ सिमिली एंड मेटाफर। और व्हाट इज सिमिली? हिंदी में आपने उपमा अलंकार पढ़ा होगा, उपमा व्हाट इज सिमिली? सिमिली इज व्हाट, इट इज अ टूल टू कंपेयर वन थिंग टू अनदर। कि वो टूल होता है कैन बी कंपेयर टू थिंग्स, मींस एक को दूसरे से कंपेयर करते हैं। एंड जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो क्या है, दैट बोथ थिंग्स आर अपोजिट इन नेचर, दे कैन बी अपोजिट इन नेचर। जरूरी नहीं है कि जिनको हम कंपेयर कर रहे हैं वो सिमिलर हो, दे कैन बी अपोजिट इन नेचर। लाइक वन कैन बी लिविंग थिंग एंड अदर कैन बी नॉन लिविंग थिंग। हो सकता है एक फ्लावर है और एक एनिमल है, एक ह्यूमन बींग है, एक स्टोन है, मींस कोई भी चीज हो सकती है। अतीता रिफ्रेन नोट क्लियर। रिफ्रेन में बच्चे क्या होता है कि पोयम का जो पार्ट होता है ना एक ही लाइन, वो बार बार रिपीट होते हैं। एक बार आप कोई भी पोयम पढ़िए, अगर आपने टेंथ की पोयम पढ़ी थी ये वाली अभी क्या बताई थी सनी कौशिक ने, पोयम का नाम बताया था टेल ऑफ द ड्रैगन वाली, उसमें बार बार एक लाइन रिपीट हो रही है। वो कौन सी लाइन रिपीट हो रही थी बार बार? एक तो हो रही थी ड्रैगन क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केस, ठीक है, वो भी क्या थी, वो भी क्या है, एक रिफ्रेन है। और एक मैंने आपको बताया था कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ है उनकी एक पोयम है, विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम का नाम है लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग। तो उसमें एक लाइन वो बार बार बोलते हैं, व्हाट अ मैन हैज डन फॉर मैन, कि पर्सन ने, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन के साथ क्या कर दिया, ठीक है। तो ये जो एक लाइन या एक सेंटेंस जो रिपीट होता है दैट इज रिफ्रेन। ये रिफ्रेन की तो एग्जांपल है बेटा, व्हाट मैन हैज डन टू मैन, ये इसमें लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है उसमें टू थ्री टाइम्स है, और द ड्रैगन क्राइड फॉर नाइस सेफ केस जो कस्टर्ड है वो भी एक क्या है, रिफ्रेन है। और द मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉरएवर, ये जो ग्रुप पोयम है ग्रुप एक द ग्रुप, उसमें ये रिपीट हो रही है तो ये भी एक रिफ्रेन, ठीक है। क्लास क्लियर हो गया? नेक्स्ट चले। नाउ नेक्स्ट इज सिमिली। टाइम देख लेती हूँ, चार पांच मिनट है, एक सिमिली सिमिली एक्सप्लेन कर देती हूँ आज विद एग्जांपल्स। ओके, सिमिली क्या होता है, मैं बता रही थी सिमिली दैट इट इज अ टूल टू कंपेयर टू थिंग्स, वो थिंग्स कैन बी अपोजिट इन नेचर बट दे हैव
aspects, one or two similar aspects. So in similar aspect ke basis pe we compare those things by using like, as. ठीक है, कि हम like और as इनको use करते हुए क्या करते हैं, इनको चीजों को compare करते हैं. ठीक है, कैसे compare करते हैं, एक example मैं दे देती हूँ. कमला दास है, उन्होंने अपनी पोयम लिखी. चलो कमला दास 12th में आप क्या पढ़ोगे, 10th में आप पढ़ चुके हो, मैं 10th की सिमिली निकाल के बता देती हूँ. 10th में सिमिली में है, वेट अ मिनट बेटा, प्लीज पोयम थी एक शायद छीन लेगा. हाँ जी, तो एक कंपैरिजन डिवाइस है सिंपली. जब कंपेयर करते हैं एक को दूसरे के साथ, दोनों ही अपोजिट हो सकते हैं. लाइक ट्रीज जो हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, पोयम है द ट्रीज, एंड्री ने रिच भी उसने उसको मेंशन किया है कि ट्री जो है वो स्ट्रगल कर से करके घर से बाहर निकल रहे हैं. तो एग्जैक्टली वो कैसे लग रहे हैं, वो ऐसे ही लग रहे हैं जैसे कि न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट. तो एग्जाम्पल क्या बताया, लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट. अब इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि किसको किससे कंपेयर किया गया है. ट्रीज जो कि मूव कर रहे हैं, एक्चुअली ट्री सिंबल था विमेन का, कि विमेन जो है वो स्ट्रगल करके घर से बाहर निकली, उन्होंने अपनी फ्रीडम गेन की. लेकिन अब पोएम के सरफेस आइडिया पे ही चलते हैं कि उन्होंने ट्रीज को कंपेयर किया लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, कि वो इतने ज्यादा एग्जॉस्टेड लग रहे थे स्ट्रगल करने के बाद, कि जिस तरीके से एक नया पेशेंट जो क्लिनिक से अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ है अभी, तो जो पेशेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ है अभी बेटा, उस पेशेंट में क्या होगा, एनर्जी कम होगी, उसको एनर्जी अपनी रिकवर करने के लिए आगे जो भी उसकी प्रिकॉशंस है, प्रिस्क्रिप्शंस डॉक्टर देता है वो फॉलो करनी होती है. तो पेरों को कंपेयर किया किससे, न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट से. ठीक है, तो पेशेंट कौन है, ह्यूमन बीइंग है, और प्लीज क्लियर हो गया. तो अब ये इन दोनों में जो सिमिलैरिटी थी, वैसे तो दोनों अलग अलग हैं, कि ह्यूमन बीइंग अलग है और ट्रीज अलग है, लेकिन इन दोनों में जो सिमिलैरिटी थी वो क्या थी, कि जो पेड़ थे वो भी स्ट्रगल करके थक चुके थे और वो भी ऐसे ही धीरे धीरे मूव कर रहे थे, जबकि जो न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट है वो भी, उसमें भी उतनी एनर्जी नहीं है, वो भी एग्जॉस्टेड है. तो दोनों की जो मूवमेंट है उस टाइम पर, जो गति है, जिस तरीके से वो मूव कर रहे हैं, उसके लेकर उनको कंपेयर किया गया. क्लियर हो गया. एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, एक और एग्जाम्पल था मैंने पहले वाले में कहा था, ओ माय लव इज लाइक अ रेड रेड रोज. नाउ सी, अब यहाँ पर अब पोएट ने अपने बिलवत को किससे कंपेयर किया है, उससे कंपेयर किया है रेड रोज से, कि जितना सुंदर एक रेड रोज होता है, जितना ब्यूटीफुल एक रेड रोज होता है, उतनी सुंदर उसको अपनी बिलावट लग रही है रेड साड़ी में या किसी भी उसमें, वो उतनी प्यारी लग रही है. तो वो एक फ्लावर है और उसकी जो बिलावट है, जो प्रेमिका है, वो क्या है, लवर है, वो एक ह्यूमन बीइंग है. तो दोनों बेशक से अपोजिट है, पर दोनों में सिमिलैरिटी क्या हुई, कि दोनों ही ब्यूटीफुल है. तो उनका ये जो आस्पेक्ट है, ब्यूटी का जो आस्पेक्ट है, उसको उसने कंपेयर किया बाय यूजिंग योर लाइफ. ठीक है, और वैसे आप फर्स्ट क्लास में सिमिलीज बहुत पढ़ते हो, लाइक एज ग्रीन एज कुकुम्बर, एज लाइट एज कॉटन, पढ़ते हो ना ये सारे, कई सारे, एज ब्लैक एज गोल्ड, इतने सारी सिमिलीज आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन क्लास में लगातार पढ़ी. ये सिमिलीज उसमें बहुत सारी मिलती है. ठीक है, तो वो क्या है, वो भी यही है, ये सिमिलीज है, क्योंकि उसने उन्होंने क्या किया, एक चीज को दूसरे से कंपेयर किया. क्लियर हो गया. अब जल्दी से कोई डाउट है तो लीजिए बेटा, अदरवाइज आई एम लीविंग योर क्लास नाउ. अटेंडेंस मार्क कर लीजिए प्लीज, जानवी, दीक्षा, मनी, योग्यता, प्लीज बेटा अटेंडेंस चेक कर लीजिएगा एक बार अपनी. और किसी को कोई डाउट,
any student if you have any doubt. मैं इतने ही जो मैंने आप पढ़ के डिवाइसेस किए हैं इनके मैं नोट्स आपको कल प्रोवाइड करा दूंगी. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल अगेन कंटिन्यू विद द पोएटिक डिवाइसेस. ओके. थैंक यू सो मच. हो गया अटेंडेंस बेटा आपकी. कोई डाउट नहीं है. ओके देन थैंक्स. अगर कोई डाउट नहीं है यू मे लीव ऑल. आप लीव कर सकते हैं. अटेंडेंस हो गई. जान भी सब मैं मार्क कर दूं ना. एंड ये योगिता मनी एंड कर दो बच्चे. ओके. योगिता मनी दीक्षा. दीक्षा नहीं आई आज. ओके देन थैंक यू सो मच ऑल.